हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम एससीईआरटी की वर्कशीट करेंगे आप लोगों की 16 मार्च की क्लास फोर्थ की। आज वर्कशीट नंबर 47 है आप लोगों की एंड ये आपकी एससीईआरटी की क्लास फोर्थ की है। लेट्स लर्न। आज की थीम टॉपिक है वीक 9th की वर्कशीट है आप लोगों की। ये वर्कशीट है 16 मार्च की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम चिंटू के बारे में बात करेंगे। चिंटू अ 9 ईयर ओल्ड बॉय, एक 9 साल का बच्चा, हु वॉज प्लेइंग ऑन द स्कूल ग्राउंड, जो कि अपने स्कूल के ग्राउंड में खेल रहा था। लेट अस रीड टू फाइंड आउट वॉट चैलेंजेस ही फेस्ड, कि उसने क्या चैलेंजेस फेस्ड किए। सो अभी थोड़े ही समय पहले हमने वर्कशीट की थी जब वो खेलते खेलते गिर गया था। तो टूडे चिंटू फेल डाउन ऑन द स्कूल ग्राउंड, वो स्कूल के ग्राउंड में गिर गया एंड जो उसका बटन था वो टूट गया। एवरीवन, सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे बहुत बुरा लगा। देन ही केम होम, वो घर आता है। ही केम बैक होम एंड आस्क हिज मदर टू स्टिच द बटन, कि उसका बटन सिल दे ऑन द शर्ट। बट शी वॉज गोइंग टू मार्केट, पर वो मार्केट थी। तो सेकेंड बात क्या होती है, सो शी रिक्वेस्टेड हिर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से कहता है कि आप मेरी जो शर्ट है वो सिल दो। बट शी वॉज ऑल्सो बिजो, वो भी बिजी थी, बिकॉज शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर, क्योंकि वो अपनी मदर ग्रैंड मदर की केयर कर रही थी। देन ही रिक्वेस्टेड फादर, पर द फादर इज ऑल्सो बिजी, वो क्या कर रहे थे, ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। सो एवरी वन वॉज बिजी, सभी बिजी थे। देन चिंटू क्या कहता है, आई विल डू, मैं ही इसे कर लेता हूँ। सो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। इतनी सी है कि भाई वो अब कितना ब्रेव लड़का है, खुद ही अपनी जो है शर्ट सिलने बैठ जाता है। तो वॉट डू यू थिंक ही डू, क्या करेगा, चिंटू स्टिच्ड हिज बटन ऑन शर्ट हिमसेल्फ। सेकेंड, क्या आपको लगता है दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ चिंटूज फ्रेंड, क्या उसके फ्रेंड्स की ये गलत बात थी उस पर मजाक उड़ाना। यस, ये रॉन्ग था, बिकॉज दे शुड हेल्प हिम, क्योंकि उन्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए थी। बिकॉज ही हैड फॉलन मिस्टेकनली, क्योंकि वह पत्थर की वजह से गलती से गिर गया था। अब करते हैं आगे की वर्कशीट्स। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट्स खत्म होंगी। हैप्पी होली इन एडवांस, आप लोग होली इंजॉय करें एंड वर्कशीट्स को कम्प्लीट